और एक वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे बर्ड को किस तरह आप पॉटी ट्रेनिंग करवा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस तरह आगे और वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस वीडियो में मैं खुद का एक्सपीरियंस और मैं किस तरह से अपने बर्ड को पॉटी ट्रेनिंग करवाता हूँ, जिसका मुझे 100% रिजल्ट मिला है और किस तरह से मैं वो करता हूँ, आज मैं वही आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। तो दोस्तों, बर्ड को ट्रेन करने से पहले आपको कुछ चीजों पर बहुत ही अच्छे से गौर करना होगा, बहुत ही अच्छे से आपको जान लेना होगा। मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से आप उसको सुने। पॉइंट नंबर 1, अगर आप अपने बर्ड को पॉटी ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बर्ड को बहुत ही अच्छे से ध्यान से कुछ दिन आपको केयर करना है, बहुत ही अच्छे से उसको देखना है। बर्ड कब और कितने ड्यूरेशन में वो पॉटी करता है, ज्यादातर देखा जाता है छोटे टाइप का जो स्पीसीज बर्ड है बहुत ही जल्दी जल्दी पॉटी करता है, यानी 10 से 15 मिनट के अंतर वो पॉटी करता है। बड़े स्पीसीज का बर्ड है लाइक एज अफ्रीकन ग्रे, मैकाउस, कैकाटूज, इस तरह का बर्ड इतने जल्दी पॉटी नहीं करता है, थोड़ा टाइम लेता है, लगभग 20 मिनट या 30 मिनट टाइम लेता है। छोटा बर्ड कंटिन्यू 10 से 15 मिनट के बाद बाद थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ये पॉटी करता रहता है। आपको बहुत ही अच्छे से गौर करके देखना है कि आपका बर्ड कितने ड्यूरेशन में वो पॉटी करता रहता है। लगभग आप इसके लिए 5 से 7 दिन उसको टाइम दीजिए, उसको अच्छी तरह से देखें, आपको पता चल जाएगा। पॉइंट नंबर 2, तो बर्ड कब पॉटी करता है, अगर आप बहुत ही अच्छी तरह से गौर करके देखेंगे, बर्ड ज्यादातर बिजी जब रहता है, या आपके हाथ में है, या खेल कूद कर रहे हैं, या एक्टिविटी है, कुछ कर रहा है, तब ज्यादातर बर्ड पॉटी नहीं करता है। बर्ड जब फ्री रहता है तब भी बर्ड ज्यादातर पॉटी करता है। अगर बर्ड आपके हाथ में है या आप बिस्तर पे, चेयर पे, सोफे पे आप उसको बिठा दिए हैं, वो फ्री हो गया है, ज़्यादातर बर्ड तब भी वो पॉटी करेगा। अगर बर्ड आपके हाथ में है, आप उसको बिजी रख रहे हैं, तब बर्ड पॉटी नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 3, शायद ये बात सुन के आप हैरान हो जाएंगे, अगर बर्ड के सामने आप पॉटी पॉटी करके कितनी बार भी चिल्लाए वो पॉटी नहीं करेगा। पॉटी ट्रेनिंग बर्ड को देने के लिए आपको खुद से ट्रेन होना पड़ेगा। शायद ये बात आपको कुछ अलग ही लग रहा है, शायद आप इसको मानेंगे नहीं, लेकिन यही सच है। बर्ड को पॉटी करवाने के लिए, उसको ट्रेन करवाने के लिए आपको खुद से ट्रेन होना पड़ेगा। तो चलिए आप देख लेते हैं किस तरह से खुद को पहले ट्रेन करें। तो पहले कुछ दिन आपके बर्ड के ऊपर आप बहुत ही अच्छी तरह से नज़र रखें कि कब वो और कितने ड्यूरेशन में वो पॉटी करता है। नॉर्मली छोटे स्पीसीज का बर्ड 10 से 15 मिनट के बाद बाद वो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में वो पॉटी करता रहता है। फिर उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे से देखना है, बर्ड जब पॉटी करता है तब उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। नॉर्मली मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो पे दिखाया है आप लोगों को, टूटू जब मेरे हाथ पे था या मेरे कंध पे था, पिपलू के कंध पर था, तब वो पॉटी करने वाला था, मैंने उसको रोका। अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको बर्ड का एक्टिविटी, पॉटी करने से पहले बर्ड का शरीर का जो एक्टिविटी है वो भी आपको देख लेना है, जान लेना है किस तरह से आपका बर्ड एक्टिविटी करता है। ऐसे नहीं है कि मेरा बर्ड 15 मिनट में पॉटी करेगा, आपका बर्ड 10 मिनट में करेगा, कोई कोई बर्ड और छोटे शॉर्ट ड्यूरेशन में करता है या लॉन्ग ड्यूरेशन में करता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप पहले जान लीजिए कि आपका बर्ड कितने ड्यूरेशन में पॉटी करता है और पॉटी करने से पहले उसका एक्टिविटी कैसा है। और पॉटी ट्रेनिंग करवाने के लिए मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ हमारे छोटे बच्चों को, जिस तरह से हम पॉटी या सुसु का ट्रेनिंग देते हैं या करवाते हैं। अगर किसी घर में छोटा बच्चा है तो आपको ज़रूर ये पता चलेगा, जब वो बोल नहीं सकता है, खड़ा भी नहीं हो सकता है, एकदम छोटा है, 1 या 2 साल का हो, तब उसके सामने उसका पैंट खोल के हम उसको सुसु सुसु करके इस तरह से आवाज़ लगाते हैं, लेकिन बर्ड तो हमारा लैंग्वेज नहीं समझेगा। उसके लिए हमें अलग सा ट्रिक्स हमें लगाना पड़ेगा, जो मैंने यूज़ किया है भूटू और टूटू के साथ और उसमें मुझे 100% रिजल्ट मिला है। तो किस तरह से मैं वो करता हूँ चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो भूटू तो अभी फुल ट्रेन नहीं है, भूटू को मैं इस तरह से करता हूँ, मैंने अपने हाथ पे भूटू को ले लिया है और भूटू को मैंने फ्लोर पर बिठा दिया है और मैं उसके सामने 2-4 बार पॉटी पॉटी करके मैं बोलता रहता हूँ। वो तो मेरी आवाज़ लैंग्वेज नहीं पहचानेगा, लेकिन उसके कान में उसी तरह का आवाज़ जाएगा। पहले कुछ दिन वो पॉटी नहीं करेगा,
लेकिन आपको इसी तरह से कंटिन्यू रिपीट करना है। इसको फिर अपने हाथ में उठा के 2-4 सेकंड रख के फिर आपको उसको उतार देना है और फिर उसके सामने आप दोबारा से उसको पॉटी पॉटी करके आप बोलते रहिए। एक बार नहीं करें, फिर दोबारा करें, कंटिन्यू इस चीज़ को आप रिपीट करें जब तक ना वो पॉटी करे। ज़रूर करेगा, 100% करेगा, आप करके देखिए। एक बार से नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, लगभग इसके लिए हफ्ते भर महीने भर भी लग सकता है। तो भोटू ने अभी पॉटी किया है, मैंने इसको जस्ट 3 बार ही किया है और उसको पता चल गया है वो पॉटी कर दिया है। अपने हाथ पे लेने से पहले आप इसी तरह का आप कीजिए। पहले आप अपने बर्ड को हाथ में लीजिए, फिर किसी जगह पर आप उसको रख दीजिए, उसके सामने 2-3 बार आप जो कहना चाहते हैं वो कहिए। वो पॉटी नहीं करा तो आप फिर दोबारा से आप अपने हाथ पे लीजिए, फिर उठा के आप उसको नीचे रखिए, फिर आप बोलिए पॉटी पॉटी या जो आप कहना चाहते हैं। अगर नहीं किया फिर आप लीजिए। इस तरह से आप 2-4 बार करते रहिए जब तक वो पॉटी ना करे। धीरे धीरे उसके मन में ये बैठ जाएगा कि मुझे पॉटी करने के लिए कह रहा है। इस तरह से आप करते रहे तो ज़रूर आपका बर्ड पॉटी ट्रेन हो जाएगा। ये फाइनल कोई ट्रिक नहीं है, कभी भी कोई भी समय बर्ड पॉटी ज़रूर करेगा ट्रेन होने के बावजूद भी, क्योंकि पॉटी तो वो तो नहीं समझेगा, उसको तो नहीं समझ में आएगा कि इस जगह पर हमें पॉटी करना है या नहीं करना है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान देना है, आपको ट्रेन होना है बर्ड को। जब भी आप अपने हाथ पे या सोफे पे या बिस्तर पे आप बिठा रहे हैं उससे पहले आप ये चीज़ दोहराए। तो चलिए अब देख लेते हैं टूटू क्या करता है। ऑलरेडी मैंने देखा है टूटू को, मैंने जब यहाँ पर स्टैंड पर बिठाया है तभी टूटू ने पॉटी ऑलरेडी कर दिया है, अभी ये क्या करता है। टूटू तो बहुत अच्छी तरह से ट्रेन है, वो तो करेगा ही। देखिए टूटू के सामने जैसे ही कैमरा आ गया है टूटू अपने एक्टिविटी पर आ गया है। पॉटी करो, पॉटी करो, वो मुंडी घुमा के बैठा है, क्योंकि ये अभी अभी कुछ टाइम पहले ही 2-5 मिनट पहले ही इस टूटू ने पॉटी कर दिया है। देखता हूँ मैं उसको सेम चीज़ यूज़ करके, मैंने कुछ टाइम इसको हाथ पे रखा और मैंने नीचे उतार दिया। पॉटी पॉटी करो, पॉटी करो, कमी है। फिर देखता हूँ ये पॉटी करता है कि नहीं। इसके लिए आपको 2-4 बार करना पड़ेगा, ऑलरेडी टूटू का पेट खाली है। 2-4 बार जब हम इसको हाथ पे लेंगे उतारेंगे इसको पता चल जाएगा, इसका आइडिया लग जाएगा कि मुझे क्यों कह रहा है ये। टूटू के सामने जब भी मैं कैमरा लाता हूँ ये तो अपने अंदाज में चला जाता है ये। फिर मैंने अपने हाथ पे इसको ले लिया है, देखता हूँ ये पॉटी करता है कि नहीं। टूटू शायद सोच रहा है कि मैं तो ऑलरेडी पॉटी कर चुका हूँ और कितना करूँ। कमिया, नेक्स्ट देखते हैं टूटू क्या करता है। पॉटी पॉटी करो, देखिए टूटू ने पॉटी कर दिया है, उसका अलग ही एक एक्टिविटी हो गया है। लेकिन पॉटी बहुत ही कम किया है, अंदर से चूस के निकाला है पॉटी। इसी तरह से आप करते रहिए, जरूर आपका बर्ड पॉटी करेगा। आप उसको 2-4 बार हाथ में लीजिए, उसको उतारिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, 10-15 सेकंड उसको दीजिए, फिर अपने हाथ पे लीजिए, कुछ टाइम उसको रखिए, फिर आप दोबारा से लीजिए। इसी तरह कंटिन्यू आप करते रहे, उसको ज़रूर पता हो चल जाएगा कि मुझे पॉटी करने के लिए कह रहा है। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना होगा, 1 या 2 दिन में नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है बर्ड के साथ आपका बॉन्डिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों मुझे जितना एक्सपीरियंस है, मैंने जो रियलाइज़ किया है, मैंने जो जो देखा है आपके सामने, एकदम रियल आपके सामने मैंने करके दिखाया है। इसी तरह से आप करते रहे, ज़रूर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस तरह आगे और वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।